टेक्निकल यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज और दोस्तों आज आपको एक नया सेटअप देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर एक नया सेटअप जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हूँ और ये आप ही की वजह से ये हुआ है क्योंकि हमने काफ़ी सारे थ्रेशोल्ड हमने पूरे कर दिए और ये आप ही की वजह से हुआ। तो आज से आपको ऐसा सेटअप को देखने को मिलेगा। कभी कभार मैं ग्रीन स्क्रीन से सेटअप भी बैकग्राउंड भी मैं चेंज कर दूंगा। तो ये जो सेटअप है आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपके पास टेनोर के स्मार्टफोन्स तो होंगे और टेनोर के स्मार्टफोन्स में दोस्तों बहुत लोगों का ऑडियो अपडेट के बाद कैमरा ख़राब हो गई है, उसमें कभी सारे फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे कुछ कंप्लेंट्स थे। उसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कैमरा टू एपी गूगल कैमरा उसमें सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा फीचर लाया हूँ कि दोस्तों बिना कोई ऐप कोई आपको थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने नहीं होगा। दोस्तों हमारे ही टेनोर के कैमरा ऐप में एक ऐसा हिडन छुपा हुआ फीचर है, यानी कि दोस्तों आपको एक डेवलपर ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे आपको पता होगा कि डेवलपर ऑप्शन आपके सेटिंग में मिलता है, लेकिन ये डेवलपर ऑप्शन आपको आपके टेनोर के स्मार्टफोन्स पे मिलेंगे और उसमें कई सारे फीचर्स यानी कि जो आपको पता भी नहीं होगा वो आपको फीचर्स टेनोर के स्मार्टफोन में दोस्तों मिल रहा है। दोस्तों मैं भी कुछ शौक हो गया कि इतना फीचर्स कैसा टेनोर के स्मार्टफोन्स में है। कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो आपको इनेबल करना है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको प्रेस करना है जिससे आपको डेवलपर ऑप्शन आपके कैमरा में टेनोर के जब सभी फोन्स के कैमरा में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने इस वक्त कैमरा का इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कैमरा का इंटरफेस है। तो कैमरा के इंटरफेस में आपको क्या होगा कि आपको आप सेटिंग में जाके देखोगे तो आपको कुछ भी आपको फीचर्स आपको सिर्फ इतना ही आपको आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बैक जाके दिखाता हूँ इसे कैसे इनेबल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं जाता हूँ और ऐप्स में जाकर जो कैमरा होगा उस ऐप को जो परमिशन में नहीं जाना, आपको यहाँ पर स्टोरेज में जाना है। अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सोच रहे हो कि कुछ अगर गड़बड़ हो गया कैमरा में तो आप सोच रहे हो कि उसे फिर से सही करना, तो आपको यहाँ पर क्लियर डेटा कर देना है। क्लियर डेटा करने के बाद आपका कैमरा एकदम नए जैसा हो जाएगा, एकदम से नया हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बैक जाएंगे। अब हम सीधे कैमरा पे जाते हैं। कैमरा में जाने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ बोलेगा, पूरा नया इंटरफेस हो गया है, बस इसे ओके कर देना। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इंटरफेस है ये कैसा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अब आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आप देखेगा ये सेटिंग का ये साइन है, ये सेटिंग के साइन आप जाओगे तो आपको ऐसा कुछ आपको बस इतना ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों काफ़ी छोटा सा वीडियो होने वाला है ये। रेड आई रिडक्शन ऐप पर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे पे, यानी कि थर्ड लास्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर आएगा रेड आई रिडक्शन करके, तो उस पर आपको क्लिक करते रहना है। ऐसे बार बार क्लिक करते रहना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कैमरा डेवलपर ऑप्शन इज इनेबल नाउ, तो कैमरा का जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो गया। और यहाँ पर अब आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से सेटिंग में जाकर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सब ऑप्शन आपको यहाँ पर आ गया, ऑटो एच डी आर रिडक्शन, ऑडियो ए डी आर एक्स वन फ्रेम। अब दोस्तों ये काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो हम पहली बार सुन रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा काफ़ी रिसर्च करने के बाद। लेकिन ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं इनेबल करोगे तो सही रहेगा, अगर आपको पता तो आप कर देना, नहीं तो आप अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाता तो आप कैमरा में क्लियर डेटा करके वो भी आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है HDR, ऑटो HDR तो आपको पता ही होगा उसे इनेबल करना है कि नहीं। HDR नीड 1x फ्रेम ये भी एक, इसको मैंने ऑन करके CDS मोड होता है, उसके बाद TNR मोड होता है, हिस्टोग्राम डिसेबल, यानी कि हिस्टोग्राम यानी कि आपका जो भी हिस्ट्री वगैरह जो भी कुछ होगा डेट्स वगैरह सब आएगा, ZSL आएगा, बीप ड्यूरिंग काउंटडाउन, टच AF AAC सेलेक्ट और जोन, ऑटो फोकस, सैचुरेशन लेवल आपको यहाँ पर मिलता है, जो भी आप सेट करना चाहोगे आप अपने हाथ से सैचुरेशन लेवल को कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट भी मिलता है, शार्पनेस भी आपको मिल जाता है, तो मैं इसे एक बार करके देखता हूँ। शार्पनेस आप देख पा रहे होंगे कि कैसा अच्छे से ये वर्क करता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, मोड, सेंटर, वेट, एंटी बैंडिंग, वेबलेट, डिनॉइस मोड, एडवांस फीचर्स आपको यहाँ पर आपको मिलता है, टू पोर्ट्रेट स्टिल मोड, यानी कि आपको आप देख पा रहे होंगे ये जो ऑप्शन है कैमरा टू मोड, यानी कि ये शायद कैमरा टू एपी के लिए ये काम कर सकता है। आप एक बार ट्राई करके देखना, मैं भी इसे ट्राई करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने ये देख लिया होगा कैसा ये सेटिंग है, आपने शायद इसके पहले कभी आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी सेटिंग टेनोर के स्मार्टफोन्स में आपको मिलने वाले हैं। तो कैसा आपको ये सेटिंग्स लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसा लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, जरूर बेल आइकन है उसे साथ में प्रेस करना। तो मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.